नमस्कार, मैं शिल्पा आप सबका स्वागत करती हूं एनसीईआरटी के स्पेशल लाइव फोन इन कार्यक्रम गाइडेंस फॉर स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन हेल्पलाइन। बोर्ड एग्जाम पैटर्न या फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के सही तरीके को लेकर अगर कंफ्यूजन है तो आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर। नंबर है 1800111265 अथवा 1800111299। और इसके अलावा आप अपने प्रश्न हमारे ऑफिशियल ईमेल आईडी पर भी भेज सकते हैं ciet.kishoremanch@gmail.com। और साथ ही आप अपने प्रश्न हमारे YouTube लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान कमेंट कर भी भेज सकते हैं। हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल है NCERT ऑफिशियल। और चलिए मिलते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से। आज हमारे साथ है मिस दीपमाला, असिस्टेंट प्रोफेसर शैक्षिक मनोविज्ञान एवं शिक्षा आधार विभाग NCERT। और साथ ही उपस्थित है आज हमारे खास एक्सपर्ट डॉक्टर संयम भारद्वाज, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। साथ ही उपस्थित है मिस प्रीति सिन्हा, स्कूल काउंसलर, वंदना इंटरनेशनल स्कूल, न्यू दिल्ली। आप सबका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। 15 फरवरी से बच्चों के बोर्ड एग्जाम तो शुरुआत हो चुकी है, लेकिन बच्चों में अगर बात करें कोर सब्जेक्ट्स को लेकर, उसके एग्जाम पैटर्न को लेकर अभी भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। सो डॉक्टर संयम, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, मेजर चेंजेस जो बोर्ड एग्जामिनेशन में किए गए हैं CBSE द्वारा। जी देखिए, जो हमारे चेंजेस इस बार किए गए हैं वो मुख्यतः प्रश्न पत्र के पैटर्न के ऊपर हैं। गत वर्ष हमने लगभग 33% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है हमने उनको इंटरनल चॉइसेस दी थी, और अब की बार लगभग 20 नंबर के हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सभी पेपर्स में दिए हैं। हमारा प्रयास ये है कि बच्चे जो अलॉटेड समय है वो 3 घंटे का या 2.5 घंटे का, उसमें पेपर को आसानी से पूरा कर लें। एक विशेष परिवर्तन जो हमने किया है वो कक्षा 10 में किया है, जहां पर कि हम उससे एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बिहाव पर सवाल पूछेंगे। वो सीधे से किताबों से नहीं होंगे, लेकिन जीवन में जो है जो क्रिएटिविटी है उसके ऊपर वो प्रश्न हमारे होंगे। तो मुख्यतः हमारा यही परिवर्तन अब की बार है जो कि प्रश्न पत्रों के प्रारूप को लेकर है। जी, और ऑडियो क्वेश्चन हमें प्राप्त हुआ है काफी सारे बच्चों का, यहाँ पर मैं एक ऑडियो क्वेश्चन प्ले करना चाहूंगी। चलिए सुनते हैं ऑडियो क्वेश्चन। I'm in 10th standard. My question is, why CBSE exam pattern has changed? I'm really confused. Please help. तो जैसा कि हमने सुना कि श्वेता जी जो कि क्लास 10th में है, उनको कंफ्यूजन है CBSE एग्जाम पैटर्न आखिरकार चेंज क्यों हुआ। तो अगर डॉक्टर संयम आप फिर से। श्वेता, certainly I feel that you need not to confuse as far as this change in pattern is concerned. Whenever we are making the changes based on the expert advice. Academicians are with us. They are informing that what best could be done, how we can assess your learning during the entire year. So based on that, we have made certain changes. Believe me, these changes would be going to help you out during the conduct of examination when you will be appearing in the examination. हम आपकी वो जो सारी जिज्ञासाएं हैं, जो आपकी जो जो लर्निंग है, उन सबको बेटर तरीके से असेस कर पाएंगे पिछले वर्षों के कंपैरिजन में, अगर हम कहें। जी, यहाँ पे प्रीति जी मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। प्रवीण जी का प्रश्न है, क्लास 12th में है। आर वी इंक्रीजिंग द बर्डन ऑन द चाइल्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ 2 लेवल्स ऑफ एग्जाम्स इन मैथमेटिक्स? ओवर हियर आई वुड लाइक टू आंसर फॉर प्रवीण जी कि ये लेवल जो 2 लेवल है एक्चुअली बर्डन कम किया है। बिकॉज अगर देखा जाए जो स्टैंडर्ड है बेसिकली जो बहुत सालों से हम लोग देते आ रहे हैं मैथमेटिक्स का एग्जामिनेशन, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स इज दैट एंड देर इज नो चेंज, द सेम NCERT सेम सिलेबस। नाउ फॉर बेसिक व्हाट वी हैव डन, वी हैव रिड्यूस द बर्डन, लाइक दे विल बी आस्किंग ओनली फ्रॉम NCERT बुक एंड नॉट आस्किंग फ्रॉम प्रॉब्लम एग्जाम्पलर टेक्स्ट बुक। सो बेसिकली ज्यादा क्वेश्चंस आपके आएंगे अंडरस्टैंडिंग और रिमेम्बरिंग में फॉर बेसिक। तो इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे प्रवीण जी को शायद लेना होगा साइंस स्ट्रीम, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ह्यूमैनिटीज लेना चाहते हैं या कॉमर्स विदाउट मैथ्स लेना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा है कि उनको बर्डन कम है। बिकॉज कई बार देखा जाता है कि मैथमेटिक्स को एक फियर फोबिया बना लेते हैं बच्चे, तो वो फोबिया बेसिक के आने से नहीं है और हर बच्चे को इक्वल एक क्षमता, एक्चुअली इसका बहुत पॉजिटिव वे है
कि हर बच्चे को एक मिलेगा चांस कि वो हाई स्कोर करें, नहीं तो बहुत बच्चों को ये अफसोस होता था कि हमारा मैथमेटिक्स के कारण हम परसेंटेज ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए. तो इस टाइम इस साल सारे बच्चे इक्विलेंट हैं और दे आर सेलिंग इन द सेम बोट और वो सभी खुश रहेंगे क्योंकि और मैथमेटिक्स का उनका फियर नहीं रहेगा. जी. फियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको बच्चों के जब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो किसी भी चीज़, कई बच्चे क्या होता था पिछले अगर हम लोग सालों से देखें तो बार बार मैथमेटिक्स ही प्रैक्टिस करते थे और इन इसके कारण वो अपना फेवरेट सब्जेक्ट पे कम ध्यान देते थे. जैसे हो सकता है किसी बच्चे का इंग्लिश या हिंदी, तो अब ऐसे में वो सारे सब्जेक्ट पे ध्यान दे रहे हैं. तो ये बहुत पॉजिटिव और सकारात्मक निर्णय लिया गया है. दीपमाला मैम, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगी, काफी बच्चे के क्वेश्चन है एग्जाम स्ट्रेस से रिलेटेड. सो दे वांट टू नो कि उनको कैसे पता चले कि दे आर स्ट्रेस्ड, और अगर दे आर स्ट्रेस्ड तो हाउ टू डील विद इट. सी, स्ट्रेस इज अ बॉडीली मैकेनिज्म टू डील विद अ प्रॉब्लम. स्ट्रेस तो हमेशा होता है हम लोगों को, लेकिन दिक्कत ये तब होती है जब वो स्ट्रेस हमें काम में पुश करने के बजाय काम को ऑब्स्ट्रक्ट करने लगता है. आपको स्ट्रेस को समझने की पहले जरूरत है कि स्ट्रेस होता क्या है. स्ट्रेस देखिए, जब भी अगर आप एक बात करें कि ह्यूमन बींग, ये सारा एवोल्यूशन से आ रहा है. ह्यूमन बींग रहता है, एक ह्यूमन लाइफ जो है एक लाइक अ काइंड ऑफ अ जंगल वी वर ऑपरेटिंग इन. तो आपको किसी भी गोल को अचीव करने के लिए बॉडी के अंदर कुछ हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जिन्हें कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन कहा जाता है, जो प्रोडक्टिव हो सकते हैं व्हेन यू आर रनिंग अ रेस, व्हेन यू आर डीलिंग विद अ कॉम्पिटिशन, दे आर गुड. But when they actually increase so much in our body कि we are unable to do our task, we are unable, कहीं पर कहते हैं ना, मैं इतना स्ट्रेस हो रहा है, इतनी चिंता हो रही है कि मैं पढ़ भी नहीं पा रहा, मैं सुन भी नहीं पा रहा, तब वो स्ट्रेस नेगेटिव है. लेकिन हाँ, मुझे स्ट्रेस है इसलिए मैंने आज तैयारी करनी शुरू करी अपने काम को लेकर, तो वो पॉजिटिव स्ट्रेस है. तो स्ट्रेस पॉजिटिव भी हो जाता है, जिसे हम यू स्ट्रेस कहते हैं, वो नेगेटिव भी होता है. तो पॉजिटिव स्ट्रेस इज फाइन, वी ऑल हैव स्ट्रेस, बट वेन इट इज नेगेटिव then we need to deal with this thing. Right. तो स्ट्रेस के लिए कैसे डील करना ये भी सीखने की जरूरत है. राइट. तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं. अगला प्रश्न हमें प्राप्त हुआ है हमारे एक व्यूअर का. इससे पहले कि आगे बढ़े, चलिए जुड़ते हैं हमारे कॉलर के साथ. नमस्कार, अपना नाम बताएं. जी, अपना नाम बताएं. आई थिंक देयर इज सम टेक्निकल डिस्टर्बेंस. तो चलिए इसी के साथ आगे प्रश्न मैं पढ़ना चाहूंगी. एक बच्चे का प्रश्न है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड लेवल एंड बेसिक लेवल ऑफ मैथमेटिक्स इन क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन. सो डॉक्टर सयम, अगर आप बताना चाहें. हाँ, देखिए, जैसे अभी आपको बताया, क्या है कि NCERT 2005 में बहुत सीधा सा कहा गया है कि जो हमारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनका असेसमेंट दो लेवल पर होना चाहिए. उस पर हम लोगों की तरफ से एक प्रक्रिया ये आई, हमने कार्यवाही शुरू की कि इस वर्ष हमने मैथमेटिक्स को दो पार्ट में असेसमेंट करने की बात करी. हम बच्चों को वही मैथ्स पढ़ा रहे हैं क्लास में, क्लास टेंथ की बात करें, क्लास टेंथ में सेम रहेगा, कहीं कोई परिवर्तन नहीं है. लेकिन क्लास टेंथ में हम लोग कर रहे हैं कि हम बच्चे को पढ़ा वही सारे सब्जेक्ट रहे, वही टॉपिक रहे हैं जो कि उसको मैथमेटिक्स में पढ़ने हैं. लेकिन एक मैथ्स बेसिक है और एक मैथ्स स्टैंडर्ड है. मैथ्स स्टैंडर्ड वो सब्जेक्ट है जो कि पिछले वर्षों के अनुरूप है, जो पहले जिस तरीके से हमारे एग्जाम्स कंडक्ट होते थे, जो उसका डिफिकल्टी लेवल होता था. अब की बार हमने जो मैथ्स बेसिक किया है, मैथ्स बेसिक में अगर आप सैंपल क्वेश्चन पेपर पर जाएंगे तो देखेंगे कि वो क्वेश्चन जो हॉर्स हैं या जो डिफिकल्ट होते थे थोड़े, उनका नंबर्स कम किया गया है. अगर मैं बहुत साधारण भाषा में कहूंगा, आपको समझने वाली भाषा में, और जो आसान क्वेश्चन है उनका नंबर्स को हमने बढ़ा दिया है. तो इससे होगा क्या कि कोई भी बच्चा जो है, देखिए मैं सारे बच्चे जानते हैं, कितना जानते हैं हमको यही पता करना है. ये जो परीक्षा होगी ये जीवन का सारा फैसला नहीं कर देगी. तो हम चाहते हैं ये कि पता हमको चले कि बच्चा कितनी मैथमेटिक्स जानता है, वो मैथ्स में जाने के लिए, आगे जाने के लिए, पढ़ने के लिए तैयार करना है हमको उसको, या कहीं कोई और दिक्कत है तो उसको एलिमिनेट करना है, उसका समाधान करना है. तो यही केवल हमारा परिवर्तन है मैथ्स बेसिक और मैथ्स स्टैंडर्ड. जी सर, यहाँ पे आपने सैंपल पेपर की बात की. पिंटू जी का यहाँ पर प्रश्न था, वेयर कैन आई गेट द सैंपल पेपर्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स. देखिए, सारे जो सैंपल पेपर है हमारे सीबीएसई के, वो हम लोग अपनी जो हमारी एकेडमिक्स की वेबसाइट है cbseacademics.nic.in, उस पर हमारे ये सारे सैंपल क्वेश्चन पेपर्स और उनके सॉल्यूशन मौजूद हैं. मेरा सभी
उन परीक्षार्थियों से निवेदन होगा कि वो कहीं ना भटकें, केवल हमारी वेबसाइट पर जाएं और हमारी वेबसाइट पर जाने के बाद वो देखें कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं, जो जो भी सैंपल पेपर हैं उनको डाउनलोड करें, उनकी मार्किंग स्कीम को डाउनलोड करें और इन दोनों के माध्यम से वो अपने परीक्षाओं की तैयारी करें। जी, तो चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं हमारे अगले कॉलर के साथ। नमस्कार, अपना नाम बताएं। जी, अपना नाम बताएं। मृदुला अग्रवाल। जी मृदुला जी, आप कौन सी क्लास में हैं? अपना क्वेश्चन बताएं मृदुला। हेलो जी मृदुला जी, अपना प्रश्न बताएं। मृदुला जी, सबसे पहले आप अपने टेलीविजन स्क्रीन की आवाज को कम कर दें। नहीं, कुछ नहीं चल रहा। जी, अपना प्रश्न पूछें। हम 11th से आईआईटी की तैयारी करने जा रहे हैं। जी, जहाँ तक मैं समझ पाई मृदुला जी पूछना चाह रहे हैं, जो कि कक्षा 11th में है, आईआईटी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो अगर आप कुछ गाइड कर पाए। मृदुला जी, जैसे आप साइंस स्ट्रीम से बिलोंग कर रहे हैं, सबसे पहले आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री पे उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। स्पेशली केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि बहुत बच्चे बहुत सारे रेफरेंस बुक यूज करने लगते हैं, उसके पहले आप एनसीईआरटी के बुक से पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए चैप्टर वाइज, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री मैंने कई जगह पढ़ा है और आर्टिकल और बहुत सारे टीचर्स से डिस्कस किया है, वो सभी यही कहते हैं कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए आईटी जेई के लिए तो हमारी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक ही बहुत है और आपको कोने कोने से सारे चीज पढ़ने। प्लस एनसीईआरटी का एक और है प्रॉब्लम एग्जाम्पलर, सो प्लीज रेफर टू दिस बुक ऑल्सो, इट इज अवेलेबल ऑनलाइन ऑल्सो। एंड आप फिजिक्स और मैथ्स के लिए पहले आप सबसे पहले एनसीईआरटी से वार्म अप एक्सरसाइज शुरू कीजिए, उसके बाद मैथ्स और फिजिक्स में थोड़े से आप रेफरेंस बुक कर सकते हैं, बट सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, क्या आपका कॉन्सेप्ट फिजिक्स और मैथ्स का क्लियर हो गया है? क्योंकि अधिकतर बच्चे ये करते हैं कि वो एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया और जंप कर जाते हैं बहुत सारे रेफरेंस। तो इसका बात मैं यही कहूंगी कि एक स्विमर जो है वो पहले हिंद महासागर में कूद गया, उसके पहले वो छोटे से तालाब में अपना तैराकी सीखना नहीं शुरू किया। तो इसीलिए आईटी जेई के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी और सिलेबस जो है आपके आईटी जेई का वो सारा एनसीईआरटी से ही बिलोंग करता है। जी दीपमाला जी, यहाँ पे काफी सारे बच्चों ने हमसे प्रश्न पूछा है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें या सैंपल पेपर, विच वन इज इफेक्टिव? सी, बोथ आर इम्पोर्टेंट, बट सैंपल पेपर को इस्तेमाल करने का बेनिफिट ये होता है, एक तो एक क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट जो है वो तो साथ में सीखते हैं, उसके साथ में टाइम मैनेजमेंट जो एक टेक्निक है, ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जामिनेशन में, वो भी सैंपल पेपर को जब सामने रखते हैं तो इस्तेमाल हो जाती है। दूसरी बात ये, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो ऑलरेडी सैंपल पेपर में होते हैं, तो जनरली सैंपल पेपर प्रेफर किए जाते हैं रादर देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ओनली, क्योंकि आपके कई बार उसके अलावा उस कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। राइट, तो इट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि आप ये समझेंगे कौन से कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं रादर देन कौन सा पर्टिकुलर क्वेश्चन आ रहा है, तो सैंपल पेपर ज्यादा बेहतर रहता है। शिल्पा जी, एक चीज मैं यहाँ पर क्लेरिफाई करना चाहूंगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स जो हैं उसका जो प्रारूप है वो बच्चे को परीक्षा में स्ट्रेस नहीं होने देगा, जब वो परीक्षा कक्ष में प्रवेश करेगा तो उसको पता चलेगा कि जो मैंने वहां देखा था उसी तरीके का परीक्षा प्रश्न यहाँ पर है। जो पुराने प्रश्न है वो उसको रिवीजन के लिए जरूर काम में आ सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट की जहां तक बात है, जो डिजाइनिंग की बात है क्वेश्चन पेपर की, उसके लिए वो सैंपल क्वेश्चन पेपर उसको देखें, और सब्जेक्ट के रिवीजन के लिए वो बेटर होगा अगर वो पुराने क्वेश्चन पेपर्स को देखते हैं। जी, यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि www.cbseacademic.net जो सर ने बताया उसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक भी दिया हुआ है, सीबीएसई नहीं, तो वो बहुत बढ़िया है, आप उसको डाउनलोड करके और उसके बाद प्रैक्टिस करिए। और इस बार बिकॉज 12th में भी मैथमेटिक्स और बाकी ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में भी 80 मार्क्स के आ गए, तो बेटर है कि आप प्रीवियस पेपर से ज्यादा सैंपल पेपर को डाउनलोड करके और प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा ऑथेंटिक होगा।
सो वंडरफुली वी गॉट द सजेशंस फ्रॉम आवर एक्सपर्ट. तो इसी के साथ मैं अगला प्रश्न यहाँ पर लेना चाहूंगी. कलेक्टिवली आई विल आस्क यू द क्वेश्चन ऑफ मिस्टर रहीम और प्रेरणा. डॉक्टर सयम, आपसे पूछना चाहूंगी दसवीं कक्षा के मार्किंग स्कीम के बारे में आप बता पाए. देखिए, जहां तक मार्किंग स्कीम का प्रश्न है, मार्किंग स्कीम जो हमारे क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उसका सॉल्यूशन है. ये सॉल्यूशन बहुत साइंटिफिकली हमारा तैयार किया जाता है और इसका जो पर्पस है वो ये है कि अक्रॉस दी कंट्री जो इवैल्यूएशन हो वो यूनिफॉर्म हो, किसी के साथ कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, प्रॉपर तरीके से होना चाहिए. तो हमारा डेवलप करने का तरीका क्या होता है कि एक मार्किंग स्कीम हमारे पास ऑलरेडी होती है जो कि हमारा प्रश्न पत्र तैयार होता है, तब हम लोग उसको तैयार करते हैं. उसके पश्चात जब जिस दिन एग्जाम होता है हमारा, तब हमारे ही कार्यालय में कुछ एक्सपर्ट्स विषय विशेषज्ञ बैठकर उस प्रश्न पत्र को देखते हैं जो प्रश्न पत्र हमारे एडमिनिस्ट्रेट किए गए हैं. अगर उसमें कहीं उनके कोई विशेष बात होती है, कोई वो अपना कोई बात बताना चाहते हैं उस पेपर के बारे में, तो वो हमको बात बताते हैं. हमारे स्कूल से जो पेपर होता है उसके माध्यम से जो बच्चे कहना चाहते हैं, स्कूल कहना चाहते हैं, वो सारी सूचनाएं हमारे पास आती हैं. और फिर एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है हमारा पूरी कंट्री से कुछ कुछ लोग आकर काम करते हैं, वो मार्किंग स्कीम बनाते हैं, देखते हैं कि कितने प्रकार के सॉल्यूशन उस पूरे प्रश्न पत्र में हो सकते हैं. हमको इवेल्युएटर्स के लिए क्या गाइडलाइन देनी है कि जब वो इवेल्युएट करें आंसर स्क्रिप्ट को तो किन बातों का ध्यान रखें जिससे कि बच्चों को कहीं कोई डिसएडवांटेज ना हो, कहीं कोई परेशानी ना हो. बिल्कुल. और इसी के साथ चलिए यहाँ पर मैं प्ले करना चाहूंगी एक ऑडियो क्वेश्चन जो हमें प्राप्त हुआ है. तो चलिए सुनते हैं ऑडियो क्वेश्चन. Student would expect those questions in the C section, which comprises of questions having weightage of 4 marks. So it becomes difficult for the student to invest so much time to do the workings in rough just to get an answer for 1 mark. Okay, ये फैसल जी थे कक्षा 12वीं के. उनका प्रश्न यहाँ पर रिपीट करना चाहूंगी कि 1 marker question को सॉल्व करने के लिए इतना समय लगता है जो कि सेक्शन सी के 4 marker question में लगता है. तो ये काफी सारा समय हमारा कंज्यूम कर लेता है. सो डॉक्टर सयम, आपने भी आंसर कर पाए. फैजल जी, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू एंड गाइड यू इन दिस रिगार्ड दैट क्वेश्चन विच इज कैरिंग 1 मार्क्स वुड बी टेकिंग द टाइम विच इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व द 1 मार्क्स क्वेश्चन ओनली. द क्वेश्चन विच इज ऑफ द 4 मार्क्स वुड बी सर्टेनली टेकिंग मोर टाइम विच इज आई वुड से वी हैव डिवाइडेड द टोटल टाइम पीरियड इन सच ए मैनर that 1 marks question will take little time, small time, and the 4 marks question will be taking little bit more time. So need not to worry, this aspect is very sincerely seen by the moderators when they are just moderating the question papers. Right. हमारे पास काफी सारे प्रश्न मिले हैं आपके, जहां पर आपने पूछा है कि हम परफेक्ट स्कोर कैसे करें अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में. तो चलिए पूछते हैं मिस प्रीति से. परफेक्ट स्कोर के लिए आप सबसे पहले परफेक्ट रिवीजन प्लान बनाइए, बिकॉज रिवीजन प्लान ही आपको परफेक्ट स्कोर के लिए के तरफ ले जाएगा. तो उसके लिए आप थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करें. उसमें आप सबसे पहले अपने आप को प्लान करें कि क्या क्या रिवाइज करना है. और इस टाइम पे आप प्लीज कोई नया बुक और नया नोट्स को ना रेफर करें. जो आपके पुराने बुक्स हैं, जो टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी और नोटबुक जो आपके स्कूल टीचर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी में से आप रिवाइज करें और उसमें देखें आपका स्ट्रेंथ क्या है. जी, नोटबुक में भी आपका बहुत होता है कि आपके स्ट्रेंथ क्या है. कुछ आपके प्रिपेयर हो चुके हैं प्री बोर्ड्स में, कुछ नहीं किया है, तो उस मुताबिक आप प्लान कीजिए पर डे. एंड बहुत अच्छे से मैं यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगी कि स्टूडेंट्स जो है वो एक हैंडबुक निकला है सीबीएसई से, स्टूडेंट हैंडबुक, वो उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है कि बच्चे जो हैं अपनी प्रैक्टिस अपने अलग अलग एक स्टाइल, क्योंकि जब आप रिवाइज करते हैं तो आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना है, तो बी इंटरेस्ट, यू हैव टू बी इंटरेस्टेड ऑल्सो. मतलब उस टाइम पे आपको ये नहीं सोचना है कि क्या आ रहा है. एंड एक वर्क प्लान आउट कीजिए, एनवायरमेंट. ओके, मतलब बिकॉज आप एग्जाम जो दे रहे हैं वो डेस्क और टेबल पे दे रहे हैं, तो इसलिए अब अभी जैसे इस बार काफी कोल्ड विंटर रहा है नॉर्थ में, तो बहुत बच्चों की आदत होती है सर्दी में रजाई के अंदर बैठ के पढ़ रहे हैं. तो अब ये हैबिट लास्ट वीक रह गया आपके फाइनल एग्जाम, बिकॉज बहुत लोग के बच्चों के पेपर फिजिकल एजुकेशन शुरू हो रहे हैं नेक्स्ट वीक से. तो इस टाइम पे आप स्टडी करें टेबल और इस पे, जहां से आपको प्रैक्टिस होगी.
प्लस आप ये करें कि आपके प्लान सुबह में, सीबीएसई भी कहती है कि एक ही सब्जेक्ट को लेके ना बैठे, आप 2 से 3 सब्जेक्ट को लीजिए और रिवाइज कीजिए, बीच बीच में रिलैक्सेशन टाइम और ब्रेक टाइम जरूर रखिए जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रिलैक्स, बहुत लॉन्ग आवर सीबीएसई नहीं बोलती है, बच्चे कहते हैं 8 घंटा की 12 घंटा आप अपना लर्निंग स्टाइल, आपको पता है कि आप कितने आवर्स पढ़ सकते हैं और उस मुताबिक आप छोटे छोटे ब्रेक, 50 मिनट से ज्यादा आप कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर सकते जी। तो 50 मिनट्स के बाद एक छोटा ब्रेक लीजिए, बट वो छोटा ब्रेक कई बार बड़ा हो जाता है, तो वहां पे आपको अपने ऊपर संयम रखना है और उस छोटे ब्रेक से वापस, उस छोटे ब्रेक में बीच में एक दिन में कम से कम 2 आप कुछ कार्डियो एरोबिक एक्सरसाइज कीजिए, स्पोर्ट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप किसी स्पोर्ट्स आउटडोर गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है और ब्लड सर्कुलेशन आपके ब्रेन में भी रिलीज करता है नोरएपिनेफ्रिन एंड एंड्रोफ्रिन्स। नाउ दीज आर, हम लोग बार बार स्ट्रेस के लिए बात करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी के अंदर ये हार्मोन्स है जो हमारे मूड्स और स्ट्रेस को कम करता है। तो इसलिए अगर आप अपने पढ़ाई को प्रॉपर वे में प्लान आउट करते हैं, रिवाइज करते हैं एंड और प्रैक्टिस के लिए प्लीज केवल लर्निंग ही नहीं रखिए, रिटन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज पेन पेपर टेस्ट। नाउ दिस टाइम सीबीएसई हैज सेड दैट ब्लू पेन हैज टू बी यूज्ड, सो प्लीज यूज इट ब्लू पेन एंड सी द टाइम। 3 आवर का पेपर है तो आप कोशिश कीजिए घर में 2.5 आवर, 2 आवर 45 मिनट्स एंड गिव टाइम फॉर रिविजन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज, रिविजन बच्चे नहीं करते जी, सो रिवाइज योर पेपर एंड डू वेरी वेल। सो दीज आर द स्मॉल टिप्स विच जी वुड लाइक टू शेयर विद एवरीवन। यू वेरी वेल सेड दैट कि परफेक्ट रिविजन विल लीड टू परफेक्ट स्कोर। यहाँ पे सर आपसे पूछना चाहूंगी, मैम ने बात करी स्टूडेंट हैंडबुक की सीबीएसई की, आप उसके बारे में अगर थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दे पाए। देखिए जो स्टूडेंट हैंडबुक हमारी तरफ से बनाई गई है उसमें बच्चों को दिन प्रतिदिन उनको जिन समस्याओं को का सामना करना पड़ता है उन समस्याओं को किस तरीके से वो समाधान मिलेगा, किस तरीके से उन पर कार्यवाही करें, उन सब बातों को बहुत विस्तृत तरीके से हम लोगों ने उसमें बताया है। मेरा मानना है कि बच्चे इस पुस्तक को देखें, लेकिन ये वो समय है जब इस पुस्तक के अलावा बहुत नॉर्मल सी चीजें जो हमारे घरों में हमेशा होती रही हैं उनका पालन करना शुरू करें। जैसे मैडम ने भी बताया कि आप अपना रिवीजन करना शुरू करें, आप अपने खान पान का ध्यान रखें, आप कितना सो रहे हैं इस बात का ध्यान रखें, हैप्पी हार्मोन्स की बात हम सारे लोग करते हैं, मैं सबसे पहले कहता हूं स्ट्रेस को घर से निकालकर बाहर फेंक दीजिएगा, आप खुश रहने की शुरुआत कीजिएगा, ये आपकी छोटा सा आपके जीवन का एक छोटा सा पड़ाव है जहां पर कि आपको एक परीक्षा देनी है, ये आपका जीवन निर्धारित नहीं करने वाला, मैं आपके सामने साक्षी हूं मैं कहूंगा। तो जब ये आपका जीवन निर्धारित नहीं करेगा तब आप परेशान क्यों होते हैं, पूरा समाज, पूरा बोर्ड, सारे टीचर्स, सारे लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, ये कार्यक्रम भी आज आप ही के लिए हो रहा है। तो जब ये सारी बातें हैं तो आपको बहुत शांति से अपने मन को खुला रखकर आपको इतनी तैयारी करनी चाहिए। जैसे मैडम ने कहा आप ये नई चीजों पर ना जाएं, रिवीजन करें, बाहर निकलें, एक बार जोर के ठाके मारकर हंसें, सांस लें, पेरेंट्स के साथ बात करें, दोस्तों के साथ थोड़ी बहुत देर बात करें, अपने घर में बातचीत कर जो है अपने मन की जो बातें वो उन पेरेंट्स को बोलें, भाई बहनों को बोलें, बड़े लोगों को बोलें, टीचर्स को बोलें। विश्वास मानिए, मेरा मानना यह है कि आप बहुत अच्छा जीवन में करेंगे, शायद मैं आपका ऑटोग्राफ लेने के लिए खड़ा होऊंगा। क्वाइट मोटिवेशनल वर्ड्स डॉक्टर संयम ने हमें काफी सारे ट्रिक्स बताए। दीपमाला मैं आपसे पूछना चाहूंगी यहाँ पर इमोशनली स्ट्रेस्ड बच्चे, दे आर इमोशनली स्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ पेरेंट्स, जैसा कि मीना जी ने पूछा है, तो इससे पहले कि आप ये आंसर करें चलिए जुड़ते हैं हमारे व्यूअर्स के साथ। नमस्कार, अपना नाम बताएं, अपना नाम बताएं जी, अपना नाम बताएं। लक्ष्य जी, लक्ष्य आप कौन सी क्लास में हैं? अपना क्वेश्चन बताएं लक्ष्य। जी हाँ लक्ष्य, देखिए जो डिफिकल्टी लेवल है जो हमने सैंपल क्वेश्चन पेपर आपको दिए हैं वो इसी वजह से दिए हैं कि आपको लगभग पता रहे
कि किस तरीके का डिफिकल्टी लेवल होगा, कितना कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने क्वेश्चंस किस मार्क्स कितने मार्क्स के होंगे, ये सारी चीजें हमने आपको वहां बताई हैं। यही चीज को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस पेपर तैयार किए जाते हैं और लगभग उनका स्तर जो है वो इसी रूप में रहता है जी। तो इसलिए इनको प्रैक्टिस करना इज वेरी प्रैक्टिस करना इजी है, वो इसके साथ प्रैक्टिस करें और बहुत अच्छी तरीके से मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप सैंपल क्वेश्चन पेपर्स करते हैं तो आपको प्रश्न पत्र को सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा जी। जैसे कि मैं दीपाला मैम आपसे पूछ रही थी, इमोशनली स्ट्रेस्ड मीना जो है एंड शी इज इन क्लास 10 बिकॉज ऑफ पेरेंट्स शी इज इमोशनली स्ट्रेस्ड। जैसे मीना की जो सिचुएशन है एक्चुअली हमारी कंट्री में अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम दैट, दे आर इमोशनली स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस के कारण इमोशन उनके नेगेटिवली उनको अफेक्ट कर रहे हैं रादर देन पॉजिटिव इमोशन होने की बजाय। पेरेंट जो होता है या फैमिली जो होता है हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट ग्रुप है, जैसे कि सर ने अभी बड़े अच्छे से शेयर किया कि उनसे बात करके अपने मन को हल्का कीजिए, लेकिन कुछ परिस्थितियों में अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स अपने प्रेशर को, उनकी एक वरी होती है कि बच्चे इस कॉम्पिटिशन वाले वर्ल्ड में कैसे सर्वाइव करेंगे, वो बच्चों पर ट्रांसफर करने लगते हैं, दैट्स रियली सैड। देखिए तो उसके लिए पहले तो मैं बोलूंगी ऐसे पेरेंट्स को गाइडेंस और उनको इस तरह की हेल्पलाइन की जरूरत है, बट इन केस यहाँ पर हमसे मीना ने पूछा ये प्रश्न तो मीना के लिए मैं बोलूंगी, मीना आज आपके पेरेंट्स शायद आपके कुछ टीचर्स या कल आपके कुछ फ्रेंड्स, इस तरह की परिस्थितियां आपको लाइफ में फेस करनी पड़ेंगी जब लोग आपको प्रेशराइज करेंगे वो पाने के लिए जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है, इनको ये प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है इनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। सर ने जैसे कहा सबसे पहले इम्पोर्टेंट है हैप्पीनेस, हमारा एजुकेशन जो है दिस इज अबाउट कि आप एक अच्छी जिंदगी जी पाए ना कि आप उससे दूर हो जाए, तो कोई भी अगर उस चीज में बाधा बन रहा है तो वो आपके लिए गलत है और आपको ये समझना पड़ेगा। लेकिन हाँ अगर आपके पेरेंट्स आपको समझाना चाह रहे हैं कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली 10th एंड 12th दिस आर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एडल्ट टुवर्ड्स सर्वाइविंग इन दिस वर्ल्ड, अभी तक आप एक छोटे से समाज में थे अब एक बड़े समाज में जाने वाले हैं, इसलिए पेरेंट्स थोड़े से वरी होते हैं और वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं, तो उनकी बात को कई बार पॉजिटिवली लेकर समझने की कोशिश कीजिए। आज इतने अच्छे टिप्स दिए जा रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन अपनी स्टडी को थोड़ा सीरियसली लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसको इतना ज्यादा मत बना दीजिए कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इतना स्ट्रेस हो जाए कि आप कर ही नहीं पाए, तो प्लीज समझने की कोशिश कीजिए अपने लिए। अब खड़े होने के लिए आपको खुद को जरूरत है, चाहे वो किसी के अगेंस्ट हो चाहे अपने लिए हो, तो अच्छे से पढ़िए कोई भी चीज आपको अफेक्ट नहीं करे। मिस प्रीति यहाँ पे आप ऐड करना चाहेंगे कुछ पॉइंट्स? इसमें मैं ये ऐड करना चाहती हूँ कि सर ने जो बोला सर बहुत अच्छे पॉइंट बताया कि हैंडबुक फॉर स्टूडेंट्स अभी स्टूडेंट नहीं पढ़ सकते, बट मैं ये कहूंगी कि माँ बाप को पढ़ना, पेरेंट्स पढ़ेंगे तो उनकी भी ज्ञान बढ़ेगी और वो कुछ टेक्निक सीखेंगे जो अपने बच्चों पे इस्तेमाल प्रयोग कर सकते हैं और इम्प्लीमेंटेशन करके बच्चों की स्ट्रेस और एंजाइटी कम हो सकते हैं जी। तो दिस हैंडबुक शुड बी रेड, इट इज अवेलेबल ऑन www.cbse.nic और academy.nic पे भी है, तो प्लीज जाके ऑनलाइन डाउनलोड करें और पढ़ें और उसके बाद अपने आप को पहले तो उसमें जो कुछ बातें हैं वो पहले खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि पेरेंट्स भी बहुत जरूरी है। कई बार पेरेंट्स कंपेयर करते हैं, कंपेयर ना करें, कंपैरिजन दिस इज नॉट द टाइम, अब वो टाइम चला गया ठीक है, पॉजिटिव कंपैरिजन कर रहे हैं आप नवंबर तक ठीक है, अब दो प्री बोर्ड्स दे चुके हैं, तो लेट हैव अ पॉजिटिव टॉक, आप पूरे आप खुद सकारात्मक सोच पे रहें, अपने बच्चे के टैलेंट और उसके स्किल पे विश्वास करें, उसके विश्वास को तोड़े नहीं जी। तो ये बहुत, और हाँ कुछ पेरेंट्स वरिड होते हैं, मैं एग्री करती हूँ, कहीं कहीं कुछ बच्चे नहीं सीरियस रहते जी फाइनल एग्जाम, तो उन पेरेंट्स को भी ये है कि उनको थोड़ा सा सीरियस के लिए इंटरेस्ट क्रिएट करें और गोल सेटिंग करें तो बच्चे जरूर तैयार हो जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर के साथ। नमस्कार, अपना नाम बताए, अपना नाम दोहराए प्लीज। आई थिंक देयर इज सम टेक्निकल एरर, हम उनका प्रश्न नहीं सुन पाए। शी इज ऑनलाइन जी, अपना नाम बताएं। हंसराज जी, आप कौन सी क्लास में हैं हंसराज? आप कौन सी क्लास में हैं? आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं हंसराज? जी, अपना क्वेश्चन बताएं।
What is? What is assimilation? Assimilation. Okay. Assimilation. है ना? जी. कक्षा सातवीं में है. I don't know उन्होंने assimilation actually real life word पूछा या वो कोई concept किसी subject का पूछना चाह रहे हैं but assimilation is actually whatever you have उसमें कुछ और जो आपने नई knowledge है उसे acquire करना but वो किसी concept का part शायद पूछना चाह रहे हैं वो clear नहीं हो पा रहा है biology but yes biology expert we don't have in the panel but we will get back to you अगर आपका प्रश्न अगर आप हमसे दोबारा पूछना चाहते हैं तो आप हमें email कर सकते हैं ciet.kishoremanch@gmail.com और हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्न का उत्तर दे पाएं और इसी के साथ आगे बढ़ती हूं सत्यार्थ और मेनका जी ने एक ही प्रश्न पूछा है कि राइट यूज ऑफ एडिशनल 15 मिनट्स जो बोर्ड एग्जामिनेशन में 15 मिनट मिल रहे हैं तो उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए इफेक्टिवली डॉक्टर संयम आप बताना चाहेंगे शिल्पा जी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये पहले तो हमको 15 मिनट का महत्व समझ लेना चाहिए मेरा मानना है कि अगर इस 15 मिनट में हम अपनी स्ट्रेटेजी पूरे क्वेश्चन पेपर की डिसाइड कर लेते हैं तब हम अपने क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे जनरली हम लोगों का कहना होता है कि आप पहले प्रश्न से शुरू करिए और लास्ट तक चलते चले जाइएगा लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अगर किसी को लगता है कि कहीं कोई मेरे 4 प्रश्न 6 प्रश्न 10 प्रश्न अच्छे हैं तो पहले वो उनको सॉल्व करे और बाकी प्रश्न बाद में वो जो बचे हुए हैं उनको करें इस 15 मिनट में क्वेश्चन पेपर की एक एक क्वेश्चन को उनको पढ़ लेना चाहिए ध्यान से उसके रिप्लाई क्या हो सकते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत प्लान कर लेना चाहिए और मैं ये कहूंगा कि लास्ट के 10 मिनट को बचाकर रखना चाहिए इस बात के लिए कि वो दोबारा से पेपर को रिवाइज कर लें एक बार देख लें कि वहां पर जो उन्होंने लिखा है वो सही है कहीं कोई गलत तो नहीं है तो इस 15 मिनट में मेरी इंस्ट्रक्शंस भी हम लोगों ने अब की बार अपने सारे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को दी है कि 15 मिनट में इस ड्यूरेशन में वो बच्चों को कई बार होता है डिस्टर्बेंस कोई बात है वो ना दें उनको वो शांत रहें और बच्चे इस क्वेश्चन पेपर को पढ़कर अपने परीक्षा को किस तरीके से प्रश्न पत्र को वो सरल करेंगे उसकी स्ट्रेटेजी पूरी वो डिसाइड कर लें ऐसा करने से जरूरी है कि वो अपना पूरा प्रश्न पत्र कर पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से प्रश्नों के उत्तरों को वो दे पाएंगे जी इसमें बस एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कुछ बच्चे क्या होते हैं डिस्ट्रैक्ट होते हैं अपने आसपास के फ्रेंड से तो इस टाइम पे मैं बच्चों को यही कहूंगी कि बेटा आपके पास 5-6 दिन है तो प्रैक्टिस करें घर पे और जब आप सैंपल पेपर लेके बैठे तो उस टाइम पे ये ध्यान रखें कि आप फॉलो द रूल्स एट होम ऑल्सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट यू आर गोइंग टू डू इट इन योर एग्जामिनेशन हॉल तो वो आप रीड करें अब जब रीड कर रहे हैं तो इधर उधर ना देखें दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कई बार होता है बच्चे देखते हैं कि दूसरा बच्चा क्या ये कर रहा है उनके नॉन वर्बल जेस्चर से आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं तो स्टॉप दीज नॉन वर्बल जेस्चर की तरफ आप ध्यान नहीं दें आप फोकस करें अपने क्वेश्चन पेपर में कई बार होता है कि दो क्वेश्चन देखें हो सकता है वो आपको समझ में ना आ रहा हो सकता हो कि आपको लगे कि ये क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ा उस टाइम पे आप स्किप करें और दूसरे क्वेश्चंस पे जाएं क्योंकि कोई ना कोई आपको क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जहां आपको आह फीलिंग होगी एंड दैट आह फीलिंग विल गिव यू एक्स्ट्रा एनर्जी सो दैट इज व्हाई यू डू दैट एंड रीड द होल क्वेश्चन पेपर जी अशिल्पा जी होता है कि जब एक बार प्रश्न पत्र सरल करना हम शुरू कर देते हैं लगता है कि जो प्रश्न नहीं आता वो भी हमको आना शुरू कर देता है कारण ये है कि हम उस समय अपने को कंसंट्रेट करते हैं और वो जो भी हमारे 6 सेंसेस में होता है वो हमारे ब्रेन में आता है और हम उसको लिख पाते हैं इसलिए मेरा हमेशा विद्यार्थियों से कहना ये भी होता है कि वो जो भी काम कर रहे हैं मान लीजिए अगर वो पढ़ रहे हैं तो पूरी तरीके से केवल पढ़ने का काम करें अगर वो खेल रहे हैं तो उस समय पढ़ाई के बारे में बिल्कुल ना सोचें अगर वो खाना खा रहे हैं तो खाना खाते समय खाने के टेस्ट को एंजॉय करें वो उनको अच्छा परिणाम देगा अच्छा फल देगा इनफैक्ट इस 15 मिनट्स का यूज वो पॉइंटर्स जो उनके क्वेश्चन नहीं आते हैं जैसे कि सर ने बताया कि आप स्ट्रेटेजी जब बना रहे हैं यू शुड टेक केयर कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आता उनके पॉइंटर्स बना के आप रख सकते हैं 1 मार्क के एमसीक्यूज के आप आंसर अपनी नोटबुक पे जल्दी से लिख सकते हैं दैट विल सेव अ लॉट्स ऑफ टाइम जनरली होता था पहले 15 मिनट नहीं होता था बच्चे पेपर खोल के पैनिक शुरू हो जाते थे क्वेश्चन नहीं आता नाउ दे हैव अ क्लियर स्ट्रेटेजी आई नो दिस मच वेरी एफिशिएंटली एज शी सेड एंड दिस आई डोंट नो तो कीप दोस क्वेश्चंस आई डोंट नो विद द पॉइंटर्स रेडी फॉर द एंड रादर देन जंपिंग ऑन देम इन द बिगनिंग तो आपकी जो पैनिक और एग्जामिनेशन एंजाइटी वाली जो स्टेट है वो थोड़ा सा उसको ओवरकम आप कर पाएंगे
यहाँ पर काफी सारे बच्चों ने ये प्रश्न पूछा है, बात हमने कंसंट्रेशन की भी की है. सो क्वेश्चन जैसे प्रकाश जी ने पूछा है और प्रियंका जी ने, विल कीपिंग डिविनिटी ऑन द डेस्क विल हेल्प मी टू एनहांस माय कंसंट्रेशन? भगवान की मूर्ति डेस्क पर रखना क्या कंसंट्रेशन एनहांस करने में मदद करेगी? वो उनके नेगेटिव थॉट्स को ओवरकम करने में बहुत हेल्प करेगी. सी दिस नेगेटिव थॉट्स बिकम आर बिलीव्स जिनको हम रियल मानते हैं. तो व्हेन यू कीप अ डिविनिटी और आप किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं या कुछ प्रेयर्स आप जो करते हैं ना, कुछ लोग मान के चलते हैं टोटका जो हम करते हैं कि मैं इस भगवान का नाम लूंगा एंड ही विल कम एंड हेल्प मी, तो वो कहीं पे आपके सबकॉन्शियस को एक सपोर्ट सिस्टम, एक प्रोटेक्शन दे रहा होता है. तो दैट डेफिनेटली रिलैक्स यू, हेल्प यू काम डाउन ऑन योर नेगेटिव थॉट्स एंड नेगेटिव हार्मोन्स. यू कैन डू दैट इफ इट वर्क्स फॉर यू. इफ आई डोंट बिलीव इट देन इट विल नॉट हेल्प, बट आई विल बिलीव इन दैट दैट इट विल help me, then we should keep it. जी. यहाँ पे पीयूष जी का एक और प्रश्न लेना चाहूंगी. क्वेश्चन पेपर एंड आंसर शीट पर ओम लिखने से क्या सीबीएसई मार्क्स डिडक्ट करता है? नहीं, ऐसा कहीं कोई नहीं है. क्वेश्चंस पर जो मार्क्स मिलते हैं वो आपने जो लिखा है मार्किंग स्कीम के हिसाब से मिलते हैं. आप उस पर ओम लिखते हैं या कहीं कोई और शब्द बनाते हैं तो हम लोग उसको ध्यान नहीं देते. लेकिन हाँ, ये जरूर ध्यान रखिए कि आप कोई ऐसा इंडिकेशन वहां पर ना दें जिसको हम अनफेयर मींस में काउंट कर लें और आप अनफेयर मींस में बुक कर दें, तो उससे जरूर अवॉइड करना चाहिए. आप लोगों को कहीं अपना रोल नंबर, नाम या कोई इंडिकेशन अंदर नहीं देना चाहिए. ओम लिखें, हम आपके साथ हैं, हमारे को कहीं उससे कोई आपत्ति नहीं है. जी सर, रोल नंबर को लेकर एक कंफ्यूजन था, मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी. चलिए पहले जुड़ते हैं हमारे व्यूअर के साथ. नमस्कार, अपना नाम बताएं. सत्यम कुमार. जी सत्यम, आप कौन सी क्लास में हैं? सत्यम, आप कौन सी क्लास में हैं? जी उनसे संपर्क नहीं हो पाया. और आप कौन सी क्लास में हैं सत्यम? जी उनसे संपर्क नहीं हो पाया. हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक प्रश्न लेना चाहूंगी. हमारे YouTube लाइव स्ट्रीमिंग से हमें प्राप्त हुआ है, वीना मलिक जी का प्रश्न है, हाउ कैन आई इफेक्टिवली प्लान माई डे फॉर स्टडीज ड्यूरिंग एग्जामिनेशन? सो मिस दीपमाला, अगर आप बता पाए. सी दिस इज एग्जामिनेशन टाइम, जैसे कि पहले हमारे एक्सपर्ट शेयर कर चुके हैं, नाउ इट इज नॉट द टाइम टू रीड समथिंग न्यू एंड गो फॉर सम न्यू बुक्स और न्यू थिंग्स. यू हैव डन ऑलरेडी लॉट्स ऑफ प्रिपरेशन एंड स्टडीज ऑलरेडी. यू मस्ट हैव योर रिविजन नोट्स. तो ये टाइम आपके लिए उन रिविजन नोट को समराइज करने का, रिहर्स करने का है और अपने माइंड को स्ट्रांगली उन सब चीजों को समझाने का है कि जितना आपने पढ़ा है उसको आप अच्छे से डिलीवर कर पाए. तो एग्जामिनेशन के टाइम में आप अपना रिविजन टाइम शेड्यूल कीजिए. और टाइम जब शेड्यूल करते हैं, ये भी हमने इस सेशन में बार बार शेयर किया कि शेड्यूलिंग इज नॉट अबाउट, बच्चे एक्चुअली ओवर कितने ना एम्बिशियस हो जाते हैं कि एक घंटा साइंस, एक घंटा एंड कंटिन्यूसली. यू नीड ब्रेक, योर बॉडी ऑलवेज नीड ब्रेक, वेदर यू आर इन टू एग्जामिनेशन और नॉट इन द एग्जामिनेशन, अदरवाइज बर्न आउट हो जाएगा आपका. एक पेपर आपने बहुत अच्छे से शायद दे दिया लेकिन दूसरे पेपर या लास्ट पेपर पहुंचते पहुंचते आपकी बॉडी टायर होके टूट जाएगी. तो टाइम शेड्यूलिंग जब करते हैं तो टेक केयर कि आप अपने रिलैक्सेशन का भी टाइम रिवीजन के साथ में प्रॉपर दें. अपनी एक हॉबी एक इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है. नॉट इट विल ऑलवेज हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन, इन योर गुड डेज एंड इन योर बैड टाइम्स. तो ऑलवेज इनकलकेट अ हॉबी इन टू योर सेल्फ इन योर लाइफ एंड उस हॉबी को आप शायद 15 मिनट दे सकते हैं. दैट विल हेल्प यू अ बिग स्ट्रेस बस्टर टू यू. कोई नई स्ट्रैटेजी मत ईजाद कीजिए, जो आपके पास है उनको रखिए और टाइम शेड्यूल में अपने सब्जेक्ट की रिविजन का, रिलैक्स करने का, फूड का और स्लीप का. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक सब करते हैं कि वी डोंट स्लीप इन द एग्जामिनेशन. ओवरनाइट हम स्टडी कर रहे हैं, आपकी बॉडी को उसकी आदत नहीं है. आपकी बॉडी का एक शेड्यूलिंग है और आप उसको अगर तोड़ रहे हैं तो आप उससे एक और मेहनत करवा रहे हैं एक्स्ट्रा. तो आप उस शेड्यूल को फॉलो कीजिए. अपनी नींद एटलीस्ट 6 आवर की, 6 to 8 आवर लीजिए. ओवर स्लीप भी मत कीजिए, दैट विल मेक यू लेजी. अंडर स्लीप मत कीजिए, आपकी बॉडी को एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ स्लीप चाहिए. तो टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, टेक इंपॉर्टेंट केयर ऑफ योर सेल्फ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और यहाँ पर अगला प्रश्न पूछना चाहूंगी. दया पटेल जी ने प्रश्न भेजा है. मिस प्रीति, मे बी यू वुड लाइक टू आंसर दैट. इज एनी अदर बुक रिक्वायर्ड फॉर स्टडीज ड्यूरिंग बोर्ड एग्जामिनेशन? और मोस्ट क्वेश्चंस आर फ्रॉम एनसीईआरटी बुक्स ओनली. एनसीईआरटी बुक्स,
please refer to NCERT books in during this examination. Now please don't refer any other reference book. मैं सभी छात्रों से ये गुजारिश करती हूँ कि आप NCERT book और CBSE syllabus को please download कर लें. और जैसे अभी एक बच्चा पूछ रहा था कि concentration level कैसे रखे, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं और कॉन्सेंट्रेशन लेवल डाउन हो जाता है. तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि अपने स्टडी टेबल के सामने सीबीएसई के ब्लूप्रिंट और सीबीएसई के सिलेबस लगा लीजिए सामने और उसको टिक करते जाइए, तो आपको वो कॉन्सेंट्रेशन आपकी अपने आप हाई होगी. एंड प्लीज डू अ सेल्फ टॉक ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट सेल्फ टॉक मीन्स लाइक जैसे आप घर में पढ़ाई कर रहे हो उसके बाद आराम से मैंने इतना कर लिया, सेल्फ रिवॉर्ड, अरे गुड आज मैंने अच्छा किया है. तो ये सेल्फ टॉक भी करना अच्छा होता है. कई बार बच्चे जैसे हम लोग बोलते हैं लिख लिख के रिवाइज कीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको लिख के रिवाइज करना है बट साथ में इंटरेस्टिंग भी बनाना है. जैसे बच्चे बोलते पढ़ते पढ़ते हमें बोरिंग हो रहा है और स्लीप नींद आने लगती है, तो उसके लिए इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ वेरियस स्टडी मेथड्स हैं. जैसे सीबीएसई ने ही बताई हुई है कि स्मार्ट स्टडी, वर्ड स्मार्ट स्टडी, नंबर स्मार्ट स्टडी, बॉडी स्मार्ट स्टडी. अब ये म्यूजिक स्मार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है. बहुत बच्चे कुछ सूदिंग सा क्लासिकल म्यूजिक या कुछ जो भी उनको म्यूजिक पसंद होता है उस टाइम पर उनका ब्रेन बड़ा फास्ट फंक्शन करता है. तो यू कैन डू दिस ऑल्सो जब आपको लगे थोड़े. बट ये मैं किसी बच्चे को ये नहीं कहती हूँ कि अभी आप यूज करें. प्लीज सी योर ओन लर्निंग टाइम. मे बी आप वर्ड स्मार्ट हैं, आप फ्रेज बना लेते हैं, कुछ वर्ड्स लिख लेते हैं और उस तरीके से आप याद करते हैं, तो आप वो यूज कर सकते हैं. या आप जैसे कुछ बच्चे होते हैं सेल्फ स्टार्म, आप प्रिपेयर कर लिए और मिरर के सामने जाके प्रेजेंट कर रहे हैं, तो यू आर रिकॉलिंग इट. तो ये भी आप कर सकते हैं बट जिसमें आपको कंफर्टेबल हो. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमने एग्जामिनेशन लाइन हेल्पलाइन में ये डिस्कस किया तो आप प्रैक्टिस करें. जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, यू नो योर स्टाइल बेस्ट, सो यू ओन दी सम ऑफ दी मेथड्स विच वी हैव सेड. पिक्चर स्मार्ट, कुछ बच्चे बहुत अच्छा पिक्चर बनाते हैं, मतलब क्लास में भी जब बच्चे पिक्चर पढ़ा रहे हैं तो वो कुछ पिक्चर डिजाइन कर रहे हैं, सो यूज दैट आप रिकॉल करने के लिए. जैसे केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शन है, आराम से पिक्चर बनाइए और उसको फिर तो वो आपको ब्रेन जो है रिस्टोर करेगा, आपको रिकॉल करने में हेल्प करेगा. सो दीज आर द मेथड्स विच वी वुड लाइक टू सजेस्ट. डॉक्टर सयम, काफी सारे व्यूअर्स हैं उनको कंफ्यूजन था इस बात को लेकर कि रोल नंबर जो है वो 8 डिजिट्स का है जबकि बॉक्सेस हैं वो 7 डिजिट्स के लिए प्रोवाइडेड है. जी जी, देखिए विशेष बात क्या है कि हमने हमारे जो रीजनल ऑफिसर्स से वो 10 से बढ़कर हमारे 16 हो गए. हमने अपनी जो रोल नंबर दिए उनको 8 डिजिट का दिया. आंसर शीट के ऊपर हमारे 7 बॉक्सेस बने हुए हैं. अब आपको करना क्या है, आपको ध्यान केवल ये रखना है कि जब आप 8 डिजिट का रोल नंबर लिखेंगे तो जो पहला वाला नंबर है उसको वो जो बॉक्सेस हमारे दिए हुए हैं उसका उससे पहले बाहर लिख लीजिएगा और लास्ट रोल जो डिजिट है रोल नंबर की वो लास्ट ब्लॉक में जानी चाहिए. जी. उसके बाद जो रोल नंबर स्टार्ट हो रहे हैं हमारे वो 1 और 2 से स्टार्ट हो रहे हैं. तो ये 1 और 2 जो है, जो उसकी 1 और 2 की लाइन है उसके सामने अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 के सामने वाली लाइन पर आप एक ओवल कर दें, अगर 2 है इससे स्टार्ट हो रहा है तो 2 के सामने कर दें. दूसरी चीज ये भी है कि जो रोल नंबर है वो ऐसा हो सकता है कि सेकंड डिजिट उसका 0 हो. तो सेकंड डिजिट जब 0 होती है तो हमारे जो बॉक्सेस बने हुए हैं, जो OMR शीट हमारी बनी हुई है उसमें 1, 2, 9 तक है, उसमें 0 इंडिकेट नहीं है, तो वो उसको 0 के नीचे जो 9 के नीचे का जो स्पेस है उसमें उसको ओवल कर दें. ये बहुत छोटी सी चीज है. नीचे जब आप लिखेंगे उसको वर्ड्स में लिखेंगे अपने रोल नंबर को, 1 करोड़ इतने लाख इतने थाउजेंड, तो वो जब लिखते हैं तब हम क्या करते हैं कि ये हमारे रोल नंबर स्कैन होते हैं, ये जो हमारी OMR शीट है, और हम जो OMR है, OMR का मतलब है जो आपने बबल किए हैं, और ICR जो आपने हाथ से लिखा है, इन दोनों को हम मैच कराते हैं और रोल नंबर को करेक्ट कर देते हैं और ये हमारे फिर सील हो जाते हैं. ये किसी को नहीं पता होते कौन सा रोल नंबर किस तरीके से है, वो कुछ अपनी अलग हम लोगों का वर्क है. तो केवल बच्चों को हमने इंस्ट्रक्शन दिए, हमने कहा है, हमने इंस्ट्रक्शन बनाकर भी मैंने अभी सब स्कूल्स को भेजा है कि आप अपने बच्चों को दें. सेंट्रल सुपरिटेंडेंट को कहा गया है. हमने जो एक अभी अपना लाइव वेबकास्ट किया था उसका भी एक पार्ट जो है उससे रिलेटेड निकालकर जो वीडियो है वो सारे स्कूल्स को भेजा है कि जिससे बच्चे अवेयर हैं
कहीं कोई गलती ना करें, लेकिन चिंता ना करें अगर आप कहीं कोई गलती करते हैं, पहली चीज तो ये गलती ना करें। अगर गलती करते हैं तो हमने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को कहा है कि वो सबसे पहले आपको बताएंगे, आप पेंसिल से एक बार रोल नंबर लिखें पहले दिन, उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कहीं कोई गलती होगी तो वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट उसको सही कर देंगे, और जब आप पेंसिल से सही कर देते हैं उसके बाद उसके ऊपर पेन चलाकर उसको करेक्ट कर दीजिएगा। तो ये केवल छोटी सी इंस्ट्रक्शन है, आप शुरू में अगर ध्यान देंगे तो कहीं कोई गलती नहीं होगी और कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होगी। जी दीपमाला जी, यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगी, काफी सारे बच्चों ने पूछा है क्या सीबीएसई मार्क्स डिडक्ट करती है हैंड राइटिंग के लिए? मेरा आंसर तो इसका पहले भी हो चुका है कि नहीं करती है। सर हमारे साथ हैं, वो इस बात को कंफर्म कर देंगे जो ऑलरेडी बहुत वरीड है। हैंड राइटिंग अगर लेजिबल है, समझ आ रही है, तो कोई नंबर डिडक्ट नहीं होता। लेकिन अगर आपका आर एम दिख रहा है जी और स्पेलिंग ही बदल जा रही है तो फिर नंबर डिडक्ट होना बनता है, क्योंकि एग्जामिनर को समझ नहीं आया आप क्या। तो डोंट कंफ्यूज योर एग्जामिनर विद योर हैंड राइटिंग, अदरवाइज आई डोंट थिंक देयर इज एनी डिडक्शन। देखिए क्या है, जो मार्क्स दिए जाते हैं वो हमेशा हमारे मार्किंग स्कीम के ऊपर दिए जाते हैं। बच्चे ने जिस तरीके से उसको अपने आंसर को प्रेजेंट किया है, लिखा है, उसके जो स्टेप्स हैं उसके ऊपर मार्क्स दिए जाते हैं। केवल मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए जब हमारे लगभग 3-3.5 लाख टीचर्स मिलकर कॉपी वैलिड करते हैं, और अगर किसी टीचर को आपके लिखे हुए को समझने में परेशानी होती है तो उसको सर्टेनली थोड़ी सी कुछ दिक्कत होगी। तो कहीं ऐसा हो सकता है कि ह्यूमन बीइंग है उस तरीके से मार्क्स ना दे पाए आपको। लेकिन अगर आपकी राइटिंग साफ होती है तो दो काम होते हैं, एक तो जो कॉपी को इवेल्युएट करने का जो समय है वो मिल जाता है, वो कॉपी इवेल्युएशन प्रॉपर तरीके से हो पाती है, कोई गलती नहीं हो पाएगी। और उतना भी है कि जब वो इवेल्युएट कर रहे होंगे तो आपकी बात को जल्दी समझेंगे तो वो मार्क्स उसको प्रॉपरली दे पाएंगे। तो हैंड राइटिंग गंदी होने से हम मार्क्स डिडक्ट करते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्क्स केवल आपको मार्किंग स्कीम के बिहाफ पर दिए जाते हैं, जिस तरीके से हमारे इंस्ट्रक्शन मार्किंग स्कीम है उसी के ऊपर मार्क्स दिए जाते हैं। जी अगर आपके और भी सवाल है तो आप हमारे YouTube लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान कमेंट कर भी अपने प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं। और इसी के साथ चलिए अगला प्रश्न लेती हूं, शिखा जी का प्रश्न है। चलिए पहले सबसे पहले जुड़ते हैं हम अपने कॉलर के साथ। नमस्कार, अपना नाम बताएं। अनुष्का मैम। यस अनुष्का, आप कौन सी क्लास में हैं? सिक्स्थ क्लास। जी अपना क्वेश्चन बताएं अनुष्का। मैम क्वेश्चन ये है कि मैम मतलब मेरे को ना पहले हो जाती है, मेरा साल सब कुछ याद हो जाता है, लेकिन पेपर के दिन ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं आता है मुझे। जी अनुष्का अभी तो आप सिक्स्थ क्लास में हैं, आपको एंजॉय करना चाहिए, पढ़ना चाहिए जितना आप पढ़ने के लिए करते हैं। ये हमेशा होता है, ये आप ही के साथ नहीं होता, हमारे साथ भी होता है कि एग्जाम से पहले हमको भी लगता है सब हम भूल गए हैं। लेकिन ये केवल तभी होता है जब हमको अपने पर विश्वास ना हो। आप धीरे धीरे बड़े होंगे, आप अपने पर विश्वास आपका बढ़ेगा और आप बहुत अच्छा जीवन में कर पाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपको है, मेरा आशीर्वाद आपको है। जी और यहाँ इसी के साथ अगला प्रश्न शिखा जी का है, What can I do to make my answer sheet look presentable in board exams? So Miss Preeti, अगर आप बताना चाहें। To look presentable, आप सबसे पहले जैसे अभी हम लोग डिस्कस किए हैं कि हैंडराइटिंग उतना नहीं मैटर करता है, बट नीटली सो यू हैव टू बी स्मार्ट एनफ टू राइट लाइक सेक्शन वाइज। आप जब लिख रहे हैं तो सेक्शन ए बी सी बीच में आप जंप ना कर जाएं। जैसे सेक्शन ए के बाद अगर कुछ आपको नहीं आता है तो आप थोड़ा सा आपको पता है वर्ड लिमिट कितना है, वन वर्ड रहता है, वन सेंटेंस रहता है फॉर वेरी शॉर्ट आंसर, और आपको थ्री मार्क्स के लिए 80 वर्ड्स हैं, तो उतने आप गैप छोड़ के आप आगे बढ़े। और इसके लिए आप वेल ऑर्गेनाइज रहें। जब आप आंसर्स लिख रहे हैं तो आंसर आप ये देखें कि क्वेश्चन पूछा क्या है। कई बार क्या होता है बच्चे क्वेश्चन के दो वर्ड को देखें और वो उस चैप्टर के कंटेंट पे चले गए, अरे ये, और आप अपने हिसाब से आंसर लिख देते हैं। तो पहले जब रीडिंग टाइम जो 15 मिनट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि उसको इफेक्टिवली यूज करें कि व्हाट विल बी द व्हाट आर द फैक्ट्स एंड यू आर गोइंग टू यूज इट, व्हाट आर द डायग्राम्स यू आर गोइंग टू यूज इट इफ इट इज अ बायोलॉजी और सम साइकोलॉजी सब्जेक्ट और एनी अदर सब्जेक्ट वेयर द डायग्राम्स आर इंपॉर्टेंट। तो वो सारे आप सोच लें। अगर डिस्टिंग्विश है तो आपको डिस्टिंग्विश करना है थ्री पॉइंट, अगर थ्री मार्क्स का है तो थ्री डिस्टिंग्विश देना है। कई बार क्या होता है बच्चे कहते हैं मैंने तो थ्री दिया था, बट हो सकता है वो पॉइंट आपने रिपीट किया है तो वहां आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो यू हैव टू बी वेल ऑर्गेनाइज्ड।
सिस्टमैटिक होना है और अटेंशन ग्रैबिंग. आप कुछ ऐसा एग्जांपल दे जो आप एग्जामिनर जो आपका चेक कर रहा है उसके अटेंशन ग्रैब कर ले. जी, उसके लिए आप अंडरलाइन कर सकते हैं अपने पेंसिल के साथ. अगर पेंसिल नहीं तो अपने ब्लू पेन से ही अंडरलाइन कर दे और रिवील इट आउट. वट एवर द क्वेश्चन हैज आउट यू रिवील ऑल द स्पेसिफिक एंड की पॉइंट्स इन योर आंसर. जी, दीज आर फ्यू स्ट्रेटजीज विच द स्टूडेंट्स रिक्वायर टू डू इट while writing their answers. I'll come back to you. First, let's connect to our one of the caller. Namaskar. Apna naam bataye. Ji, apna naam dohraye. Hum aapko samajh nahi pa rahe hain. Dobara se bataye. Ji, question pooch lete hain. Aap question bataye. अपना क्वेश्चन दोहराए. नहीं, उनसे हम संपर्क नहीं कर पाए. और इसी के साथ चलिए आगे बढ़ती हैं. हमारी YouTube लाइव स्ट्रीमिंग से आपके काफी सारे प्रश्न हमें प्राप्त हो रहे हैं. तनिष्क यादव जी का प्रश्न है, हाउ टू टैकल MCQs, व्हाट इज द बेस्ट वे. सो डॉक्टर सयम, आप बताना चाहेंगे. देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, जिनको पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि उसका रिप्लाई कहाँ क्या होना चाहिए. जी. ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले नहीं होंगे जो बहुत ट्रिकी होते हैं. मैं कहूँगा हम लोगों ने जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो क्रिएटिविटी है, इन सब चीजों को करने के लिए, जानने के लिए हमने उन प्रश्न को तैयार किया है. आपका समय कम लगेगा, आप उसको ध्यान से पढ़ें. मेरा मानना यह कि जब आप उसको पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद जो चार ऑप्शन दिए हैं आपको स्वयं पता चलेगा कि इनका आंसर सही कौन सा है. एक विशेष बात यह कि इनको देने का पर्पज और है कि आपको बहुत सारा समय बचेगा, जो समय आप दूसरे बड़े क्वेश्चन जो है 3 नंबर के 4 नंबर के क्वेश्चन जो है उनके ऊपर डिवोट कर सकते हैं. आप उसमें से समय बचाकर रिवीजन के लिए रख सकते हैं, देखने के लिए रख सकते हैं कि कहां पर है. तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो बहुत टिपिकल नहीं होंगे, वो वन वर्ड के होंगे, वो केवल कोई बहुत छोटी सी एक लाइन में आपका रिप्लाई आएगा, वो इसी तरीके के क्वेश्चन होंगे. तो आप जो है, मैं फिर कहूंगा आपसे कि आप एक बार सैंपल क्वेश्चन पेपर देखें और देखें किस तरीके के वो है, उसी रूप में आपको वो प्रश्न जो है वो मेन परीक्षा में मिलेंगे. और इसी के साथ चलिए अगला प्रश्न पूछना चाहूंगी मैं. अगला प्रश्न आया है हमें अवस्था आनंद जी का, हाउ टू मैनेज टाइम फॉर 80 मार्क्स इन मैथ्स पेपर. सो मिस प्रीति, 80 मार्क्स आप अभी से अपने आप को पहले एक्सपोज करें. दिस इज एज यू ऑल नो, चाहे वो पीवी सिंधु हो या क्रिकेटर विराट कोहली हो, सारे वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं. जी, प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से कि परफॉर्म करें ऑन द फाइनल डे. तो उसी तरीके से मैथ्स का भी, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस. टिल नाउ यू मस्ट हैव गिवन योर प्री बोर्ड्स, और सभी स्कूल में आजकल 2 प्री बोर्ड्स ले ही लेते हैं. तो आपका रिविजन एक बार हो चुका है, तो आप कोशिश करें एटलीस्ट मैथ्स में अगर आप देखना चाहते हैं 1 or 2 sample papers सॉल्व करें. बीच बीच में आपके और भी रिविजन चल रहे होंगे दूसरे सब्जेक्ट्स के, तो उसमें सॉल्व करके टाइम लिमिट आप मेंटेन करें. स्पेशली MCQ जो रहेगा, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, उसमें सभी टीचर्स यही बोल रहे हैं कि आप 30 seconds डिवोट करें. 30 seconds से ज्यादा अगर हो रहा है तो 1 minute से ज्यादा ना दें. जी. उसको बाद में आप एंड में जब रिवाइज कर रहे हैं उस टाइम पे आप कर सकते हैं. और 2 marks का आप देखिए कितना ले रहे हैं, 2 मिनट, या अब आप 2 marks के क्वेश्चन पे अगर आप 5 minutes कर रहे हैं तो दैट इज एक्स्ट्रा टाइम. सो यू स्टार्ट एंड दैट यू कैन डू इट ओनली व्हेन यू विल डू प्रैक्टिस फ्रॉम योर सैंपल पेपर्स, एंड जस्ट यू डू अ इंट्रोस्पेक्शन आफ्टर डूइंग अ सैंपल पेपर कि व्हाट हैपेंड, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाई आई रोट द आंसर शीट एट होम फॉर 3 hours और 3 hours 15 minutes. उसके बाद नेक्स्ट, ये नहीं कि फिर बैठ गए सैंपल पेपर, यू हैव टू डू अ इंट्रोस्पेक्शन और कहां आपके हुआ. एक बार आप खुद जब रिकॉल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि शायद आपने ज्यादा टाइम वेरी शॉर्ट आंसर में दे दिया. तो दिस इज द पैटर्न, बिकॉज लॉन्ग आंसर अब बहुत कम हो चुका है एज कम्पेयर टू जो हम लोग के टाइम पे होता था. सो CBSE इज नाउ स्टूडेंट सेंट्रिक, ओके, सो दैट यू हैव टू ऑलवेज रिमेम्बर. सो यू हैव टू प्रैक्टिस एंड बिलीव इन योर ओन सेल्फ. जी शिल्पा जी, यहाँ एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूंगा. आप आज ये तय कर सकते हैं कि कितना समय कितने किस क्वेश्चन पे देना है. देखिए, हर प्रश्न पत्र के जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है हमारे,
उसमें सेक्शंस बने हुए हैं हमारे, हर सेक्शन एक पर्टिकुलर मार्क्स का है। मान लीजिए हम कहते हैं सेक्शन ए है हमारा या सेक्शन वन है, तो उसमें 20 क्वेश्चंस हैं, वो 1 मार्क्स के हैं। उसके बाद हमारा सेक्शन बी है, सी है, डी है। अब आप देख लें कि टोटल कितनी परसेंटेज हमारे एक नंबर के क्वेश्चंस के ऊपर है, कितने परसेंटेज हमारे टोटल मार्क्स की बी क्वेश्चन पर है, उसी रेशियो में आप अपने टाइम को डिवाइड कर लें। तो पहले तो आपका सेक्शन वाइज टाइम डिवाइड हो गया आपके पास आ गया, उसके बाद जितने आपके पास प्रश्न है उससे उसको डिवाइड कर दें उस टाइम को, आपके पास हर प्रश्न को करने के लिए कितना समय मौजूद है ये आपको मिल गया। मैं कहूंगा कि अगर हम 3 घंटे का प्रश्न पत्र लेकर चलते हैं तो आप 10 मिनट केवल रिवीजन के लिए छोड़ें और बाकी को सेक्शंस में और फिर प्रश्न के हिसाब से डिसाइड कर लें। मैं आपको सब अपना बताता हूँ, मैं सर्विस करते हुए एमबीए एजुकेशनल मैनेजमेंट में कर रहा था और वहां लंबे क्वेश्चंस होते थे और 100 नंबर का होता था और लिखते लिखते हाथ भी दर्द करता था। तो जितने नंबर का लिखना है हम अपनी स्ट्रेटेजी उसी में डिसाइड करते हैं कि जब मैं कोर्स प्रश्न शुरू करूंगा तो यहां से शुरू करूंगा, यहां तक पहुंचूंगा और यहां पर खत्म कर दूंगा। अगर लगता है कि समय हमारा निकल रहा है तो हमको उसको रैप अप करना चाहिए और वहां पर खत्म कर देना चाहिए। तो आज भी मैं कहूंगा सबसे पहले एक्सरसाइज आप यही कर सकते हैं कि अपने प्रश्न पत्रों को लेकर बैठे और कितना समय आपको किस प्रश्न पर डिवोट करना उसको कैलकुलेट कर लीजिए और उसके हिसाब से आप अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। जी, तो इसी के साथ अगला प्रश्न मैं यहाँ पर लेती हूँ धनंजय जी का। मिस दीपमाला, मे बी यू वुड लाइक टू आंसर दैट। आफ्टर अ वाइल ही फील्स लेजी एंड टायर्ड, सो इज ही मेकिंग एनी मिस्टेक इन द डाइट ही इज कंज्यूमिंग ड्यूरिंग एग्जामिनेशन? डाइट का बिग रोल है हमारे प्रोक्रास्टिनेशन में, जैसे उन्होंने कहा लेजी और टायर्ड फील करते हैं, क्योंकि कुछ फूड ऐसे होते हैं कि जो आपको इमीडिएटली एनर्जी देते हैं लेकिन जिस फ्लो से वो आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाते हैं वो डिप भी इतनी जल्दी करता है थोड़ी देर बाद। तो अगर वो इस तरह की डाइट ले रहे हैं विच इज हाई इन शुगर, तो वो डाइट जनरली इस तरह की होती है जिसमें इंसान उस वक्त एकदम से एनर्जेटिक फील करता है लेकिन थोड़ी देर बाद यू फील टायर्ड एंड स्लीपी एंड यू फील एन अर्ज टू ईट समथिंग। तो रादर देन दैट देयर आर सम ब्रेन फूड्स, जो हमने पीछे हमारे सेशंस में डिस्कस किया था, आप उस पे रहिए। देयर आर फूड विच इज गुड फॉर योर ब्रेन विच इंक्लूड्स ओमेगा एसिड रिच फैटी एसिड, राइट, उसमें घी एक इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन इस तरह का फूड खाने के बाद अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो दैट कैन ऑल्सो बी अ रीजन फॉर फीलिंग लिथार्जिक, इट्स नॉट ऑलवेज फूड। एंड थर्ड रीजन माइट बी दैट योर टास्क यू हैव ऑर्गेनाइज्ड इट इन अ वेरी बोरिंग एंड अनइंटरेस्टिंग वे। तो ध्यान देने की जरूरत है कि ये वाकई टायर्डनेस आपको खाने के कारण हो रही है या कोई और रीजन है। जी डॉक्टर सयम, यहाँ पे मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगी, कृष्णा जी का प्रश्न है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड कैन दे यूज कैलकुलेटर? देखिए अभी बहुत ही रिसेंटली हमने कैलकुलेटर के इस्तेमाल की जो है वो बच्चे जो जिनको डिसकैल्कुलिया है उन बच्चों के लिए हमने ये पहली बार परमिट किया है। हमारी आशा है कि ये बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा और ये बहुत तेजी से हम लोगों ने निर्णय लिया और हमने इसको किया। हम आगे देखेंगे कि हम किन और बच्चों को इस फैसिलिटी को एक्सटेंड कर सकते हैं, हम बहुत ओपन है। लेकिन ये बात बहुत सीरियस है कि डिसकैलकुलिया जिन बच्चों को है उन बच्चों को कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर की सुविधा हम लोगों ने प्रदान की अभी। जी, और अगला प्रश्न है प्रताप जी का, ही इज आस्किंग अबाउट इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर ही इज सफरिंग फ्रॉम, सो हाउ ही कैन गेट रिड ऑफ इट? मिस दीपमाला, एडिक्शन इज समथिंग कि जिसमें आपको उस चीज को छोड़ते हुए दिक्कत होती है, चाहे वो इंटरनेट हो या कई सारे बच्चे आजकल म्यूजिक एडिक्शन से जूझ रहे हैं। इट्स नॉट कि अल्कोहल ही आपको एडिक्शन देती है, ये देखा गया कि आजकल बच्चे सोशल मीडिया से इंटरनेट से बहुत एडिक्ट हो रहे हैं। म्यूजिक से म्यूजिक का मतलब क्लासिकल म्यूजिक नहीं है विच हेल्प यू काम डाउन योर सेल्फ, बट बॉलीवुड वो लोग कर ही नहीं पाते हैं और एडिक्शन का मतलब है कि वो उसके बिना काम नहीं कर पा रहे, वो परेशान हो रहे हैं। तो इस पे काम, जो कि एडिक्शन अब आपको हो गया है, इस पे काम एक दिन में कोई शॉर्टकट नहीं है, उन्हें धीरे धीरे और इसमें शायद उन्हें हेल्प लेने की भी जरूरत होगी। इट्स सेम एज एनी डी एडिक्शन सर्विसेज ऑफर्ड, तो आपको धीरे धीरे काम करने की जरूरत है। पहले आप देखिए आपको सिम्टम क्या आते हैं जब आप इंटरनेट को, क्या कुछ बच्चे वायलेंट हो जाते हैं? तो उनको क्या इस लेवल का एडिक्शन है कि वो अग्रेसिव हो रहे हैं और वायलेंट हो रहे हैं? मैंने कुछ पेरेंट्स की कंप्लेंट सुनी कि उनका बच्चा जो है वो एक्चुअली इंटरनेट एडिक्शन से ही जूझ रहा है और अगर उससे वो लेते हैं तो वो वायलेंट टेंट्रम्स पे आ जाता है, स्टार्ट स्किपिंग द थिंग्स, थ्रोइंग द थिंग्स। तो वो अगर उस लेवल पे आ गया तो ही डेफिनेटली नीड हेल्प ऑफ अ प्रोफेशनल।
पर अभी उनका शुरुआत है तो वो अपने फ्रेंड्स को और अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करके कि यस मेरे को ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है, यू नीड टू एक्सेप्ट इट, रिकॉग्नाइज उन्होंने कर लिया, दैट्स वेरी गुड थिंग, और अब उन पे वर्कआउट करने के, कि जितनी जल्दी वो इसको छोड़ने की कोशिश करेंगे उतना जल्दी छोड़ पाएंगे जी। शायद टाइम रहते हुए हम इसको ज्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं, अच्छी बातों पर ध्यान दें, वहां से हटें, दूसरी कुछ और अपनी बातों पर ध्यान, और रिलैक्सेशन जब उनकी बॉडी में वो सिम्टम आ रहा है, एक्चुअली बॉडी उसकी डिमांड कर रही है उस चीज को, तो उसको उस सिम्टम को ओवरकम करने के लिए अपना रिलैक्सेशन टेक्निक भी यूज करनी पड़ेगी, हॉबी मैंने पहले शेयर किया। तो चलिए इसी के साथ जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर के साथ। नमस्कार, अपना नाम बताएं। अपना नाम दोहराए प्लीज। जी उनसे संपर्क नहीं हो पाया। यहाँ पर मिस प्रीति आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगी, वीना जी का प्रश्न है, म्यूजिक के साथ पढ़ाई करना क्या कंसंट्रेशन इंक्रीज करने में मदद करता है, ब्रीफली क्योंकि हमारे पास समय कम है। जैसे मैंने यूज किया है, म्यूजिक स्मार्ट पीपल होते हैं जिनको एक्चुअली हेल्प करता है, और मुझे याद आ रहा है अपने ग्रेजुएशन टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी का कि मेरी एक फ्रेंड थी उसको बहुत हेल्प करता जी। था, मैंने एक दिन ट्राई किया मुझे नहीं हेल्प किया, तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सेल्फ जी। हमेशा हर बच्चों, तो कुछ बच्चे, बट मैं ये जैसे मैम ने, दीपमाला मैम ने कहा है, ऑब्वियसली कोई आप बहुत ज्यादा बॉलीवुड मूवी ना सुने जी, स्मूदिंग सूदिंग पुरानी मूवी आप सुन रहे हैं और उसमें कर रहे हैं, अगर आपका ब्रेन बहुत फास्ट फंक्शन करता है तो इट इज मोस्ट वेलकम। और बच्चों को जैसे लास्ट डे आ रहा है, ये मैं सीबीएसई के सर्कुलर नहीं पढ़ते हैं, प्लीज बच्चे पढ़े, बच्चों के लिए भी है कि स्कूल आईडी उनको पहनना बहुत जरूरी है जी, और एडमिट कार्ड अपना हॉल टिकट तो लेके जाना ही है कंपलसरी, स्कूल यूनिफॉर्म प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म में जाएंगे, और साथ में उनको एक चीज और याद रखना है, 10:01 पे अगर पहुंचेंगे तो गेट बंद हो जाएगी जी, क्योंकि ये सारे स्कूल ये कर रहे हैं, ये रूल है और ये सर्कुलर में लिखा हुआ है, तो प्लीज ऑल ऑफ यू वहां जाके रोना धोना ना करें जी। 9:30 है तो आप 9:25 में पहुंच जाएं। बिल्कुल, तो आज हमने भरपूर प्रयास किया आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देने का, और इन सारी जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स का शुक्रिया। अगर आपके और भी प्रश्न हैं, कुछ सुझाव हैं हमारे प्रोग्राम से जुड़े हुए, तो आप हमसे हमारे टोल फ्री नंबर्स या ईमेल आईडी के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूं, तब तक देखते रहिए किशोर मंच।